मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल एंड एमआई सपोर्ट ऑटोमेशन। तो दोस्तों, एक वीडियो आप देख रहे हैं, एक टैबलू के पेन ड्राइव सीरीज का है। जी हाँ, टैबलू के पेन ड्राइव सीरीज का है। ऊपर यहाँ एडवांस एक्सेल दिख रहा होगा, लेकिन टैबलू पेन ड्राइव सीरीज का है। हम बात कर रहे हैं इफ और एंड फॉर्मूले की। हमने लास्ट वीडियो में इफ फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस किया था कि इफ कैसे होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इफ एंड और नेस्टेड इफ कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को शेयर करता हूँ और यहाँ हम एक डेटा कनेक्ट करते हैं। डेटा आया हुआ है, बट मैं इस डेटा को रिमूव कर देता हूँ या यहाँ से क्लोज कर देता हूँ मैं इसको। तो एक डेटा हमारा है जो कि एक स्टूडेंट का डेटा है, मतलब कि एक स्कूल के सब्जेक्ट का डेटा है जिसको हम लोड करने वाले हैं। और उस डेटा में हम बात कर रहे हैं कि रिजल्ट कैसे निकाला जाए। अभी मैं डेटा को इफ एंड नाम का डेटा है मैंने डाला, ये फाइल आपकी वीडियो पेन ड्राइव में मिल जाएगी। तो ये आपका नेम है और यहाँ पे सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री है। मुझे यहाँ पे एक रिजल्ट का कॉलम बनाना है, बट रिजल्ट का कंडीशन ये है कि सारे रिजल्ट ग्रेटर देन 33 है तो पास करना है, अदरवाइज फेल करना है। तो इसमें हम यहाँ कैलकुलेटेड फील्ड में आते हैं और यहाँ पे हम रिजल्ट का नाम देते हैं रिजल्ट। और यहाँ पे अब जैसे कि मुझे जस्ट क्या करना है कि एक सिंपल कई सारे कंडीशन, बस एक रिजल्ट है। तो यहाँ पे इफ इफ में हम यहाँ पे देते हैं एस वन, सॉरी गलत हो गया, इफ एस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर यहां हम एंड लगा देते हैं एंड सब्जेक्ट टू इज लेस देन इक्वल टू 30, फिर वापस एंड सब्जेक्ट थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर वापस एंड सब्जेक्ट फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर यहां पे देन देन में एक मिनट देन, फिर यहां पे हम बोलते हैं कि ऐसा हो तो यहां पे आना चाहिए पास पास, फिर एल्स आना चाहिए फेल, फिर यहां पे हम एंड कर देते हैं। अब यहां पे कैलकुलेशन एरर दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हमने टेक्स्ट को डबल कोटेशन मार्क में डाला है। अब देखिए, जो एक्सेल यूजर है ये हमेशा इस चीज को गलत करते हैं, और मैं भी एक्सेल यूजर हूं तो मैं भी गलत कर देता हूं। यहां पे मैं जानबूझ के गलत किया ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वन गेट एंड सब्जेक्ट थ्री टू एंड सब्जेक्ट थ्री एंड सब्जेक्ट फोर एस फोर, यहाँ पे एस फोर हमने मैनुअल लिखा हुआ है, एस फोर मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। अब आगे कैलकुलेशन इज वैलिड। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है, सिर्फ लिख नहीं देना है। यहाँ पे देखा आपने एस फोर लिखा हुआ था, बट उन्होंने राइज नहीं किया क्योंकि एस फोर ऐसे लिख दिया तो टेक्स्ट हो जाएगा, लेकिन कोटेशन मार्क में लिखा तो वो फील्ड कहलाता है। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो कि हमें प्रॉब्लम करती है, हम फॉर्मूला लगा लेते हैं फिर भी कैलकुलेशन वैलिड नहीं दिखाता है, लेकिन इस चीजों पे ध्यान देंगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपके सामने दिख गया पास और फेल। तो यहाँ पे हमने एंड का यूज किया है। एंड का यूज क्यों किया? क्योंकि मेरे पास कंडीशन तो कई सारे हैं, बट कंडीशन के बाद हमारे पास रिजल्ट जो है वो एक है, पास और फेल। अगर मेरे पास रिजल्ट अलग अलग हो जाते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि यहां पे शो करे कि किस सब्जेक्ट में फेल है, पहला सब्जेक्ट कौन सा फेल है, हालांकि यहां पे कई सारे नहीं दिखेगा, एक ही दिखेगा, पहला सब्जेक्ट कौन सा फेल है। ये है तो यहां पे लिखा जी एस टू फेल। तो मेरे पास कंडीशन तो एक है, कंडीशन कई सारे हैं, तो कई सारे कंडीशन के बिहाफ पे अलग अलग हमारे पास रिजल्ट भी है। तो चलिए, इसके लिए हम यहाँ पे एक और कैलकुलेटर फील्ड बनाते हैं और यहाँ पे रिजल्ट
वन कर देते हैं। और फिर यहाँ से हम कैलकुलेशन लगाते हैं इसका, इफ एस और यहाँ पे दिया कि एस वन एस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, देन हम यहाँ पे नीचे आएंगे देन। तो यहाँ पे एल्स, यहाँ पे सब्जेक्ट वन फेल और फिर यहाँ पे एन हो जाएगा। एंड फिर भी कैलकुलेशन एरर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे एन को हमने ऐसे लिख दिया, हमें देन सेलेक्ट करना होगा। जी उसके बाद यहां हम एक और ए हमने लगा दिया, जिससे मान लीजिए यहां पे मैंने दे देता हूं पास, क्योंकि यहां पे कैलकुलेशन एरर दिख रहा है तो मुझे हटाना। लेकिन यहां पे पास तो फेल हुआ, लेकिन मुझे जो है यहां पे पास नहीं देना है, तो मैं यहां पे एक और इफ लगाऊंगा कि इफ एस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, Then, फिर इसका एल्स मुझे यहां देना है और फिर सब्जेक्ट टू से बिल्कुल वीवी की तरह यहां पे लिखाता है। फिर यहां अब यहां पे एक बार कैलकुलेशन एरर दिख रहा है तो एक बार मैं मैनुअली पास लिख के कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अगर कैलकुलेशन हम चेक करते जाएंगे तो हमें पता रहेगा कि हमारा गलती कहां पे हुआ है। कैलकुलेशन पहले लगे मतलब कि यहां पे सही है। अब यहां पे मुझे 30,00,000 एफ देना है कि एफ यहां देना है सब्जेक्ट 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, देन फिर यहां पे हमें देना है एल्स else और यहां पे देना है कि सब्जेक्ट 3 फेल अगर नहीं हुआ तो। फिर यहां पे हमें एक बार पास लिख के हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि चौथा कैलकुलेशन दे रहा है हमें, एक बार पास लिख के देख लेते हैं कि वैलिड आ रहा है नहीं, वैलिड नहीं आ रहा। यहां पे देखिए देन को हमने सेलेक्ट नहीं किया, TS देन सॉरी यहाँ पे एंड भी हमने नहीं लिखा है ना, एंड अब वैलिड आया मतलब सही है। अब यहां पे हम चौथा, यहां पे चौथा इफ देंगे, इफ सब्जेक्ट 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, देन अब यहां पे आएगा पास, यहां पे हमें देना होगा एल्स सब्जेक्ट 4 से, यहां पे हमें देना होगा एंड। तो ये हमारा नेस्टेड इफ होता है। अब जैसे आप बोलेंगे सर आप इस तरह से क्यों चलाया है, इस तरह से आप यहां लगाया फिर इसके नीचे यहां, तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा इफ किसके अंदर में। जैसे पहला वाला चलेगा, मैं एक बार समझा देता हूं आपको, पहला चलेगा कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन फुलफिल हुआ, कंडीशंस अगर एक कंडीशन हमारा एक कंडीशन अगर फुलफिल हुआ तो फिर वो दूसरे को फॉलो करेगा, नहीं तो सीधे आएगा और नीचे जो सबसे नीचे वाला है उसको शो कर देगा। दूसरा वह चेक करेगा, अगर दूसरा कंडीशन फुलफिल हुआ तो तीसरे को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो सीधे ए जो है एस टू को रिटर्न कर देगा। तीसरा भी अगर सही है तो चौथे को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो सीधे इसको शो कर देगा। ऐसे चौथा अगर है तो पास देगा, नहीं तो फेल दे देगा। इस तरह से वर्क करेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको अगर आप प्रैक्टिस 2-3 बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जी हाँ, 2-3 बार प्रैक्टिस इसके लिए करना पड़ेगा। अब मैं इस पर एक बार अप्लाई करता हूं एंड ओके करता हूं, यहां देखिए आ गया सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 फेल।
तो इसमें एन कब लगाएंगे और नेस्टेड इफ कब लगाएंगे, ये सिंपल है। अगर हमारे पास कई सारे कंडीशन बट एक रिजल्ट है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एन यूज कर लेंगे। बट कई सारे कंडीशन और हर कंडीशन के लिए हमारे पास अलग अलग रिजल्ट है, तो फिर एन से नहीं होगा, फिर हमें यहाँ पे नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने किया, एक फाइल में आपको पेन ड्राइव में सेव कर दूंगा, आप उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस मिलते हैं। और अगर मेरे पेन ड्राइव को परचेज करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जा सकते हैं, या मेरे साथ लाइव जूम के थ्रू क्लास लेना चाहते हैं। पेन ड्राइव में आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, बट लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मेरे वेबसाइट पे जाके iptindia.com पे जाके कोर्स के सिलेबस को देख सकते हैं। किसी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, नंबर नोट कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करते हैं। तो थैंक यू।